हेलो फ्रेंड्स, विक्की वाधवा रेड डेस्क क्रिकेट से। हमेशा की तरह आपका थैंक्स, आपकी सपोर्ट का थैंक्स। आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, हम वीडियो लेके आते रहेंगे। कॉन्टेस्ट 13 वीडियो लास्ट तक देखिए, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। सीधा आते हैं कंटेंट पे। आज का जो कंटेंट है, बैट की लाइफ साइकिल और उसकी लाइफ में टेप की इम्पोर्टेंस क्या है, उस रिगार्डिंग ये वीडियो है। हम पहले भी एक वीडियो कर चुके हैं, बट आई डोंट नो कि शायद कोई प्रॉब्लम या कोई कमी रह जाती है कि हम कन्वे नहीं कर पाते कि टेपिंग का क्या इम्पोर्टेंस है बैट में और बैट का लाइफ साइकिल कैसे होता है। देखिए, कोई भी नेचुरल प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं, मोस्टली सभी की लाइफ होती है, सभी की एक्सपायरी डेट होती है। हम ह्यूमन बीइंग भी हमेशा बच्चे नहीं रहते, हम बड़े होते हैं, बड़े के बाद बूढ़े होते हैं। वैसे ही बैट का भी एक लाइफ साइकिल है। बैट का लाइफ साइकिल कैसे चलता है मैं आपको बताता हूँ। ये एक नया बैट है और इसमें बहुत ही अच्छे ग्रेन्स हैं। देखिए, ये ग्रेन्स हैं बैट के। जैसे जैसे हम बैट यूज करते हैं, जब भी बैट नया होता है, हम एडवाइज करते हैं कि बैट की नॉकिंग करनी है। नॉकिंग क्या होता है? नॉकिंग बैट की रॉ लकड़ी को बॉल की हार्डनेस के हिसाब से बिठाने के प्रोसेस को नॉकिंग कहते हैं। आप नोटिस करते हैं कि बैट, जब भी कोई नया बैट लेता है, तो उसके साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री फाइबर टेप दी जाती है। ऐसा एक स्ट्रिप होती है जो नॉर्मली सभी कंपनी देती हैं। तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और इसकी एप्लीकेशन कब होती है सही में, वो मैं आपको अब गाइड करने वाला हूँ। देखिए, जैसे जैसे हमने बैट नया लिया है, हम नॉकिंग करना शुरू करते हैं, हम मशीन नॉक कराते हैं या हम खुद नॉक करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए बहुत ही सॉफ्ट बॉल के साथ उसकी नॉकिंग शुरू की जाए। उसके बाद फिर थोड़ा सा सेमी न्यू बॉल लगे। उस प्रोसेस के दौरान हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना कि हमने पहले बिल्कुल पुराना बॉल ही लगाना है। हम सेमी न्यू को पुराना मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। देखिए, जैसे इस भाई ने गलती की, देखिए ये बहुत ध्यान से नॉकिंग कर रहा था, पर इसका बॉल जो था वो सेमी न्यू था। देखिए, ये इसका एज बैठ गया है। ये एज बैठ जाना कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर मतलब आप अगर हो गया है तो ये घबराने वाली बात नहीं है। वैसे ये अवॉइड हो सकता था कि आप नॉकिंग बिल्कुल पुरानी बॉल से करते, इतनी हार्ड बॉल से आप नॉकिंग ना करो कि जिससे एज पे लगे तो वो बैठ जाए। आपको सबसे पहले बहुत पुराने बॉल से बैट की नॉकिंग करनी है, उसके बाद फिर सेमी न्यू या थोड़ा सा हार्ड बॉल लगाना है। अदरवाइज ये एज बैठने का चांस हो सकता है। वंस पुरानी बॉल से पूरी नॉकिंग हो जाए, फिर एजेस तकरीबन नहीं बैठते हैं। बैठ भी जाए तो कोई वरी वाली बात नहीं है। अब लाइफ साइकिल क्या है बैट का? लाइफ साइकिल बैट का ये है कि नए बैट को जब हम नॉक करते हैं तो इसकी ग्रेन्स ऐसे खुलती हैं। ये देखिए, ये बैट की ग्रेन्स खुल रही हैं। जब ये बैट की ग्रेन्स खुल रही हो तो हमें कभी भी फुल टेप अप्लाई नहीं करना है। तभी बैट मेकर्स या बैट के साथ एक टेप दी जाती है कि आप ग्रेन्स खुलने के बाद इसके ऊपर टेप लगाएं। नए नए के ऊपर अगर लगनी होती तो हमने ही लगा के दे देनी थी आपको, पर आपको साथ इसलिए दी जाती है क्योंकि आप तब अप्लाई करें जब इसके ग्रेन्स खुल जाएं। पहले टेप अप्लाई कर देंगे तो ग्रेन्स खुलेंगे नहीं, क्योंकि जब हम नए बैट की नॉकिंग करते हैं, बैट का सरफेस एक्सपेंड होता है। हम टेप से उसको बांध देंगे तो वो सरफेस एक्सपेंड नहीं होगा, ग्रेन्स खुलेंगे नहीं, बैट का स्ट्रोक नहीं बनेगा। पंजाबी में कहते हैं बैट खुला ही नहीं। तो नया बैट आपने लिया है, हल्की फुल्की पुरानी बॉल से आपने नॉकिंग शुरू कर दी है, तो आप उसके ऊपर फुल टेप अप्लाई करने की बजाय एजेस के ऊपर पहले टेप कीजिए। वो टेप कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ।
ये एक मेरे पास एज टेप का रोल है, हम इसके एजेस पे इसको ऐसे अप्लाई करेंगे। देखिए अब है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, देखिए ये टेप को हमने ऐसे साइडों से कट कर देना है और फिर इसको ये जो साइडों पे कट लगे हैं इसके पीछे वही लॉजिक है कि कहीं बैट का सरफेस एक्सपेंड होने के बीच में ये टेप ना आ जाए कि ये इसको इतना कस ले कि ये सरफेस ही ना एक्सपेंड हो सके। इसीलिए हमने ये कट लगाए हैं क्योंकि बैट का अभी सरफेस खुलना है, ग्रेन्स खुलने हैं, उसके बाद फुल टेप की बारी आती है। पर उससे पहले ही जो टेप लगती है वो सिर्फ एजेस के ऊपर लगती है सो दैट कि सरफेस एक्सपेंड हो सके और ग्रेन्स खुल सके। अब दूसरा साइकिल, देखिए फिर ये ग्रेन्स खुल गई हैं अब, ठीक है, ये पहला साइकिल लाइफ का बैट का पूरा हुआ, हमने एज के ऊपर टेप लगा दी, हम खेल रहे हैं। फिर उसके बाद बैट का जो अनदर लाइफ साइकिल है, बैट की ग्रेन्स ऐसे कटेंगी इस दा ऐसे ऐसे ऐसे, ये ग्रेन्स फिर पहले ऐसे खुली फिर ऐसे खुलनी शुरू होंगी जैसे जैसे बैट पुराना होगा। तो अब इसके ऊपर टाइम है फुल टेप अप्लाई करने का क्योंकि उससे जो नेक्स्ट साइकिल है लाइफ का, ये जो दो ग्रेन्स बीच में से कटी हैं, ये जो चिप है इसकी उखड़नी शुरू हो जाएगी जैसे जैसे हम यूज करेंगे। ये लाइफ साइकिल है बैट का, पर वो उखड़ के बाहर ना आए उसके लिए हमें फुल टेप लगानी होगी। फुल टेप कैसे लगाते हैं मैं वो भी आपको बताता हूं। नॉर्मली ये स्ट्रिप हमें मिलती है, ये वैसे तो हमें 15-16 इंच की मिलनी चाहिए, बस कॉस्ट कटिंग के चक्कर में 10-11 इंच की रह गई है। ये फुल टेप का पत्ता जो आपको साथ में मिलता है, आपने क्या करना है इसका, इसको लगाने का सही तरीका क्या है मैं आपको बताता हूं। आप नोटिस करेंगे कि इसके जो ग्रेन्स हैं वो हॉरिजॉन्टल चल रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल चल रहे हैं, पर इसको सही लगाने का तरीका क्या है मैं आपको बताता हूं। ये देखिए ये जो आपके पास पत्ता है आपने इसको ऐसे फोल्ड कर लेना है, फोल्ड करके इसके दो हिस्से कर लेने हैं, ये देखिए, ठीक है जी। अब ये दो हिस्से हो गए हैं हमारे पास। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये जो वर्टिकल लाइंस हैं इसकी हमने बराबर बराबर 3 स्ट्रिप में काट लेनी है। अब हमारे पास टोटल होगी 6 स्ट्रिपें, ये सिंस 10-11 इंच की थी हमें 1.5 फाइबर का पत्ता लगेगा। ये लगना कैसे है ये देखिए, ये जो ग्रेन्स थे टेप के वो हॉरिजॉन्टल थे, बट अगर हम इसको वर्टिकली लगाएंगे तो ये
ज्यादा इम्पैक्टफुल होगी। ये देखिए, एक स्ट्रिप लग गई, फिर हम दूसरी खोलेंगे, इसको उसके ऊपर थोड़ा सा ओवरलैप करेंगे, बस ऐसे करके आपको ये जो बाकी का हिस्सा है इसको भी टेप कर लेना है। अब देखिए, ध्यान से देखिए, अब जो टेप के ग्रेन्स हैं वो वर्टिकल हैं, हमें वर्टिकल वे में टेप लगेगी तो इसके ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी होगी, और सेकेंडली ये ओवरलैप की वजह से ये टेप हमारी ज़्यादा देर चलेगी भी। ये एक सही तरीका था, बट अगर आप इतना नहीं कर सकते हैं और ऐसा ना करने की सूरत के में आप टेप ही नहीं लगा रहे तो वो गलत बात है। आप चाहे बैट के ऊपर स्ट्रेट फॉरवर्ड ही लगा लो पत्ता, पर लगाना जरूर है। ये मैं आपको डेमो के लिए बता रहा हूं, जिसको हमने पहले भी यूज किया था। ये प्रॉपर 16 इंच का है, ये आप पत्ता खोलिए, ये प्रॉपर 16 इंच का है। इसको आप ऐसे भी लगा सकते हैं, कोई वो कानून नहीं है कि जैसा मैंने पहले बताया कि वैसे ही लगाना है। अगर आप वैसा कर सको तो बेस्ट। इसको भी हम साइड से काटेंगे, उसके पीछे रीजन है कि बैट जो है अगर थोड़ी बहुत कसर रह गई है खुलने में तो ये टेप उसमें बाधा ना बने, बैट की परफॉर्मेंस को ब्लॉक करने में। ये था सही तरीका टेपिंग का। आप स्ट्रिप काट के लगाओ, बहुत अच्छी बात है। आप ऐसे लगा दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा, ड्यूरेबिलिटी कंस्ट्रेंट रहता है उसमें, ज्यादा ड्यूरेबिलिटी रहती है, आपकी टेप ज्यादा देर चलती है। ऐसे लगा दोगे तो भी कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं है। ये लाइफ साइकिल था बैट का, टेप लगाने का सही टाइम, सारा कुछ इसमें मैंने डिटेल में बता दिया है। ऑयलिंग नहीं करनी होती बैट के ऊपर, उसके ऊपर भी सारी डिटेलिंग की हुई है ऑलरेडी। कॉन्टेस्ट 13 में आपको हमारे इस क्वेश्चन का जवाब देना है कि उस प्लेयर का नाम गैस कीजिए जिसने वनडे इंटरनेशनल में सबसे फास्टेस्ट 5,000 रन पूरे किए। यू नीड टू गैस द नेम ऑफ प्लेयर हु कंप्लीटेड फास्टेस्ट 5,000 रन्स इन ODI इंटरनेशनल, वनडे इंटरनेशनल्स। तो आपको जवाब देना है 19 मई 2023 तक आपको जवाब देना है, और सिर्फ 3 क्राइटेरिया पूरे करने हैं। आपको YouTube का चैनल सब्सक्राइब करना है, हमारा Facebook पेज लाइक करना है, और Instagram पे हमें फॉलो करना है। ये हमारे लिए एक हेल्प होगी, क्योंकि आप ये वीडियो आगे से आगे भेजेंगे तो हमें हेल्प होगी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ने की, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की क्वेरी को जानने की, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे साथ जोड़ने की, क्योंकि आपकी क्वेरीज हमारे लिए बहुत मैटर करती हैं। आप ऐसे ही बने रहिए, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।